सामने भाई हमारे महादेव, अभी हमारे शिवलिंग महादेव। चैनल को सब्सक्राइब करो भैया, बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि ऐसा करने से जन्मों के पाप धुल जाते हैं, और जो बिना सब्सक्राइब किए हमारा वीडियो देखते हैं उनके पापों का हिसाब रखने के लिए खुद चित्रगुप्त ने सेक्रेटरी रखा हुआ है। हेलो, तो राम राम भाई, सारा नया स्वागत है आपका अपने चैनल वेदी ब्लॉग्स में। मैं हूँ आपका होस्ट 33 वेदी। तो भाई आपको पता ही होगा मैं उज्जैन में हूँ, आपको उज्जैन के दर्शन करने और कैसे आ सकते हैं वो सब पीछे वाली वीडियो में देख सकते हो। फिलहाल मैं खड़ा हूँ भाई चार धाम मंदिर उज्जैन में, और फिलहाल मैं जा रहा हूँ ओमकारेश्वर जो कि शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, और मैं जा रहा हूँ भाई इस बस में। भैया अंदर जाते हुए सामान वगैरह रख रहे हैं, और इसका भाई कैसे आप बुकिंग कर सकते हो वो मैं नंबर डाल दूंगा स्क्रीन पे। और भाई जो ओमकारेश्वर पड़ता है वो पड़ता है मध्य प्रदेश के खांडवा जिले में, और उज्जैन से वो है करीब 140 किलोमीटर, 4 घंटे समथिंग का रास्ता है। वो है हमारी बस। एसी का किराया इस बस का है भाई 280 रुपये पर पर्सन, और जो नॉन एसी है वो है 240 रुपये पर पर्सन। ओमकारेश्वर मंदिर पड़ता है भाई नर्मदा नदी के माद्यता या शिवपुरी नामक द्वीप पर स्थित है। माना जाता है भाई सदियों पहले यहाँ भील जनजाति ने लोगों के लिए बस्ती निर्माण किया था, तब से भाई ये अपने इतिहास के लिए प्रसिद्ध हो चुकी है जगह। ओमकारेश्वर में भाई 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है, और पुराने शास्त्रों की मान्यता माने तो भाई जब तक आप ओमकारेश्वर में नर्मदा या किसी भी अन्य नदी का जल नहीं चढ़ाते तो आपकी यात्रा कंप्लीट नहीं मानी जाती, दर्शन कंप्लीट नहीं माने जाते आपके। ओमकारेश्वर मंदिर से भाई जुड़ी दूसरी कहानी ये भी है कि यहाँ पे राजा मानदत्ता थे, तो उन्होंने भगवान शिव की घोर तपस्या की थी। भगवान शिव उनकी घोर तपस्या से बहुत प्रसन्न हुए थे, तब राजा ने उनको बोला था भगवान शिव को कि भगवान शिव आप यहीं पे रह जाइए, विराजमान हो जाइए। तब से भाई भगवान शिव ओमकारेश्वर शिवलिंग के रूप में यहाँ पे विराजमान है। इस बस से जा रहे हैं तो इसकी आप ऑनलाइन बुकिंग भी कर सकते हो www.royalskies.com। तो भैया से पूछते हैं भैया कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हो भैया? अरे हम जा रहे हैं सीहोर जा रहे हैं। सीहोर? सीहोर। तो आपके उज्जैन के दर्शन कैसे हुए? महाकाल, बहुत बढ़िया। जय महाकाल। सबसे पहले तो हम सुबह आए, इसलिए हमारा दर्शन हो गया। अभी बाद में बहुत भीड़ बढ़ेगी, ये श्रावण में दर्शन होने का मतलब सबसे अच्छा होगा। तो भाई चलते हैं, फिर करते हैं हम अपना दर्शन, और भैया वेट कर रहे हैं हमारा। हाँ जी सर, क्या कहना चाहोगे? टिकट करवा लें अपनी, टिकट कन्फर्म हो गई। क्या कहना चाहोगे? मस्त मजा आ रहा है, मजे में हम हैं। ये भाई बस, और मैंने सोचा स्लीपर है लेकिन बैठने वाली ठीक है, 280 रुपये में जिस हिसाब से एसी बस है, एसी चल रहा है भाई। और भाई मौसम देख सकते हो आप यार, कितना प्यारा हो रखा है भाई साहब, क्योंकि उज्जैन में लगातार 5-6 दिन तक बारिश कंटिन्यू है, और यहाँ पे भी बारिश हुई है, सब कुछ गीला गीला है। और भाई इस बस की एक चीज़ बहुत अच्छी लगी मेरे को कि ये बस भाई 10:35 की टाइमिंग थी इस बस की चलने की, और पूरे 10:35 पे उज्जैन से चल पड़ी थी, और फिलहाल 1 बजने वाला है, 12:50 हो रखे हैं, और मे भी शायद 2-2:30 बजे तक पहुँचेंगे। भाई ये है ओमकारेश्वर का बस स्टैंड, और टाइम हो गया भाई 3 बज गए, बहुत लेट कर दिया यार इसने, 2 बजे की टाइमिंग बता रहा था, 3 बजा दिए हैं, क्योंकि भाई भीड़ भी थी और बारिश भी हो रखी है, और यार पहाड़ों में है बाबा हमारे, जो कि महाकाल बाबा हमेशा पहाड़ों में मिलते हैं। वो बैठे हमारे महादेव, आंगना ना बना देना छोटा को नहीं, तेरा पंडा को नहीं छोटा। फिर यहाँ से जाना पड़ेगा भाई ओमकारेश्वर मंदिर आपको ऑटो से, जो कि 20 रुपए सवारी है प्रति व्यक्ति, जो सावन में 50 रुपए सवारी होगी थी। तो भाई फिलहाल मैं खड़ा हूँ जेपी चौक, जो कि आप ओमकारेश्वर बस स्टैंड से जैसे ही ऑटो लोगे 20 रुपए देके, वो आपको जेपी चौक पे उतार देगा, और जेपी चौक से जो आपको सीधा दिख रहा है ये वाला, यहाँ से आपको जाना है सीधा 500 मीटर की दूरी पे आपको ओमकारेश्वर भगवान का मंदिर मिल जाएगा। आपको भाई ये सारी जगह केंद्र रखे मिल जाएंगी, क्योंकि ये जैसे ही आप आगे आओगे तो मिलेगा आपको एक पुल, और पुल में भाई नीचे नर्मदा नदी, अभी तो पानी बंद कर रखा है यहाँ, बोटिंग भी हो सकती है शायद, खड़ी तो है लेकिन फिलहाल पानी बंद कर रखा है क्योंकि नहाते भी हैं यहाँ। ये कुछ ऐसी ऐसी वाइब दे रहा है जैसे मैं बद्रीनाथ गया था ना, वहाँ बद्रीनाथ में पुल क्रॉस करके और फिर था बद्रीनाथ भगवान का मंदिर। ये भाई हमारे महादेव की मार्केट, और VR के थ्रू दर्शन करवा रहे हैं यहाँ, पिछले उसमें वीडियो में देखा होगा आपने जो उज्जैन महाकाल के दर्शन थे VR के द्वारा। VIP दर्शन कह रहे हैं भाई, VIP दर्शन मत करो यार, सेवक हो सेवक बनो, VIP मत बनो, लाइन में लगो तब दर्शन करो। ये भाई मंदिर का द्वार, तो चलते हैं, कैमरा तो वैसे ही अलाउड नहीं है, बहुत लंबा घूमना पड़ रहा है यार, पूरे जाल जाल बना रखे हैं, हर दूसरा बंदा VIP से दर्शन कर लो, VIP से दर्शन कर लो, अरे क्यों कर ले भाई हम।
परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए। बोल शंकर भगवान की, हरे हरे महादेव। अभी हमारे शिवलिंग महादेव सामने भाई, हमारे महादेव वहाँ शायद कैमरा अलाउड नहीं है क्योंकि यहाँ सीसीटीवी लगे हुए हैं। जो दूर तक हमारे महादेव दिख रहे हैं वो बैठे। जय श्री महाकाल। वीआईपी दर्शन करने वालों, भाई को देखो, ये काम करने वाला नहीं है, बड़ा अच्छा बंदा है, बाबा के डेली दर्शन करता है। शायद भाई हम बाबा के द्वार आ गए क्योंकि नंदी माता बैठी हमारी। और वही दर्शन हुए, काफी बढ़िया यार। और भाई अगर आप 4 बजे से पहले आ रहे हो तो आप फूल माला और जो बेलपत्र है वो लेके आ सकते हो, तो वो आपका जो श्रृंगार है वो बाबा के मूर्ति पे श्रृंगार हो जाएगा। लेकिन अगर आप 4 बजे के बाद आ रहे हो तो आप फूल मत लेके आना, वो चढ़ते नहीं है, आपको वापस लेके जाना पड़ेगा। क्योंकि आपको, हाँ, अगर आपको दर्शन करने हैं जल्दी, मतलब जाते ही बाबा के अच्छे से दर्शन हो जाए, तो वो आपके होएंगे शाम को, मतलब 6-7 बजे 8 बजे के आसपास। और भाई अगर आपको भीड़ में दर्शन करने हैं वो मतलब 4 बजे से पहले भीड़ रहती है, लेकिन आप फूल माला जो है वो 4 बजे के बाद नहीं आपके चढ़ेंगे, क्योंकि बाबा का श्रृंगार, हम गए थे तो बाबा का श्रृंगार हो चुका था। और आप नर्मदा नदी देख सकते हो भाई, यहाँ से कितनी प्यारी लग रही है लहरें भाई, बिल्कुल ओहो क्या हवा आ रही है यार, लहरें बिल्कुल मज़ा आ गया। करते हैं इस वीडियो को एंड, फिर मिलते हैं आपको इस और वीडियो में। मेरे 3 ज्योतिर्लिंग कंप्लीट हो चुके हैं, पहला केदारनाथ, दूसरा उज्जैन में महाकालेश्वर, और तीसरा यहाँ ओंकारेश्वर मंदिर। तो भाई 3 ज्योतिर्लिंग कंप्लीट हो चुके हैं, दिल को बहुत अच्छा लग रहा है यार। सुकून का नाम सुना है? हाय हाय, इतना सुकून। कल देखते हैं, फिर कल मिलते हैं आपको उज्जैन में। तब तक के लिए भाई नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, जय शंकर भगवान, राधे राधे। चैनल को सब्सक्राइब करो पहले, हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, दबा दो, जल्दी दबा दिया, घंटी भी दबा देना ठीक।